अच्छा जी, एक दो और एग्जांपल देखते हैं रूल ऑफ इन्फ्रेंस की एप्लीकेशन की, कि किस तरीके से हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये आर्गुमेंट है ए डॉट बी ए बाई सी इम्प्लाइज डी एंड देयर फोर ए डॉट डी। तो हम लोगों ने रूल ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई करना है और हमारा जो टारगेट है जो वो है ए डॉट डी। अच्छा जी, ए डॉट बी ये हमारा है, इस पे इससे हमने ए चीज़ ए डिराइव किया, रूल हम लोगों ने अप्लाई किया वन का सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है, इस सिंप्लीफिकेशन के रूल के मुताबिक हम लोग पी को डिराइव कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का हमने रूल अप्लाई किया, ए को डिराइव कर लिया वन पे सिंप्लीफिकेशन का, कि हमारे पास थर्ड प्रोपोजिशन आ गई। इसके बाद हमने ए वेज सी हम लोगों ने डिराइव की थ्री पर, ये तीसरे पर एडिशन का रूल अप्लाई करके, ये एडिशन का रूल है, इस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई किया। फिर हमारे पास डी डिराइव किया गया फोर का मोड एक्सपोनेंट से, ये हमारे पास टू है और ये हमारे पास फोर है, तो टू और फोर को जब हम कंबाइन करेंगे तो मोड एक्सपोनेंट का रूल बनेगा और इससे हम लोग डी डी ड्राइव कर लेंगे। मोड एक्सपोनेंट का रूल ये है, इस तरीके से ये चीज़ डिराइव की गई। और अब हमारे पास थ्री और फाइव अवेलेबल है, थ्री और फाइव को हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमारे पास एट आ गया, और ये कंजंक्शन का रूल इस तरीके से अप्लाई किया गया और ये कंजंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग रूल ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई करते हुए इन प्रेमिसेस के ऊपर जो कंक्लूजन को हम लोगों ने डिराइव किया, और ये फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी हो गया और आर्गुमेंट हमारा वैलिड। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक आर्गुमेंट है ए इम्प्लाइज जे, जे इम्प्लाइज के, एल इम्प्लाइज और आई वेज एल, देयर फोर के वेज एम। तो के वेज एम को हम लोगों ने डिराइव करना है रूल ऑफ इन्फ्रेंस की मदद से, ठीक है जी। तो हम लोग अब आई इम्प्लाइज के को डिराइव किया गया वन पे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई करने के बाद, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हमारे पास ये है, वन और टू पर इस तरीके से हम लोगों ने सिलोजिज्म का रूल अप्लाई किया और आई इम्प्लाइज के को डिराइव किया, तो ये हमारे पास आई इम्प्लाइज के आ गया। अब फाइव और थ्री का कंजंक्शन अप्लाई किया, तो फाइव हमारे पास ये है, थ्री हमारे पास ये है, इसको हम लोगों ने कंबाइन किया, इसके कंजंक्शन फॉर्म बना ली, ये हमारे पास इस तरीके से अप्लाई किया गया, ये हमारे पास कंजंक्शन का रूल है। आई इम्प्लाइज के और डॉट एल इम्प्लाइज एम और वी हैव डन दिस। अब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है और हमारे पास आई वेज एल भी है, तो अब सिक्स और फोर को कंबाइन करेंगे और कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का रूल अप्लाई कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का रूल ये है कि अगर हमारे पास ये फॉर्म हो तो हम क्यू वेज एस डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वेज एल ये था और के वेज एम, तो के वेज एम को डिराइव किया गया कंस्ट्रक्टिव डायलेमा की वजह से। तो हमारे पास प्रेमिस नंबर थ्री सिक्स कॉमा थ्री रूल है सी डी, और इस तरीके से ये हम लोग कंक्लूजन डिराइव करने में कामयाब हो गए। तो ये हमारे पास फॉर्मल प्रूफ आ गया, रूल्स अप्लाई हो गए और आर्गुमेंट हमारा वैलिड हो गया।